अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह जिनके दिल में अपनी मोहब्बत भर देता है उनके लिए जिंदगी एक इम्तिहान और दुनिया कैदखाना बन जाती है। फिरौन की एक नौकरानी थी और उसकी दो मासूम बेटियां थी। वो नौकरानी अल्लाह पर ईमान रखती थी। जब फिरौन को इस बात का पता चला कि ये औरत मूसा अलैहि सलाम के रब पर ईमान ले आई है, तो फिरौन ने उस नौकरानी को बुलाकर कहा, तू फिरौन का कलमा पढ़ती है या अल्लाह का? औरत ने बेखौफ होकर जवाब दिया, अल्लाह का कलमा पढ़ती हूँ। ये सुनकर फिरौन को गुस्सा आ गया और उसने अपने गुलामों से बड़ी कढ़ाई मंगवाई और उसके नीचे आग जलवाकर उसमें तेल डलवाया। जब तेल खौलने लगा तो फिरौन ने उसकी एक मासूम बच्ची के पैर पकड़ के उल्टा लटका दिया, खौलते हुए तेल में डालने लगा और उस औरत से कहा, अगर तू मुझ पर ईमान ले आ तो मैं तेरी बच्चियों को बख्श दूंगा। अगर कोई और औरत होती तो फिरौन को खुदा मानकर उस वक्त बदल जाती और घर जाकर अल्लाह से माफी मांग लेती, लेकिन उस औरत ने कहा, अगर मेरी और भी बेटियां होती तो अल्लाह पर कुर्बान कर देती। फिरौन ने उस मासूम औरत की बेटी का सर पहले खोलते हुए तेल में डाला, फिर उसका पूरा बदन तेल में डाल दिया, लेकिन उस औरत की आंख में एक आंसू न था। फिर उसकी दूसरी 5 महीने की मासूम बच्ची को तेल में डाल दिया और उसके बाद फिरौन ने उस औरत के साथ भी यही किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह का नाम बुलंद करने वाले अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह हम सबको भी पक्का और सच्चा ईमान वाला बना दे।